हिदा लुईज़, हाउ आर यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम कभी कभार कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो दोस्ती के होते हैं, वो फैमिलीज़ में होते हैं, ना चाहकर भी हमें उन रिश्तों में रहना पड़ता है, लेकिन हम उन रिश्तों से बाहर निकलना चाहते हैं। वो दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या वो एक ऐसी टॉक्सिक मैरिज हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको आपको मात्र 21 दिन 21 डेज़ तक रोज़ सुनना है। कोशिश करें इसको रात को सोने से पहले सुने तो बहुत बढ़िया है, अगर तब नहीं सुन पाते हैं तो पूरे दिन में कभी भी सुने। ध्यान रखे जाए, पूरे दिन में एक ही बार आपको इस मेडिटेशन को करना है और आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिससे आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो। अब दूर करना चाहने का मतलब है कि अगर वो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कैरियर में कोई पर्सन हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप के लिए ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसे अनवांटेड रिलेशनशिप के अंदर हो या ऐसे बॉन्ड के अंदर आगे हो जो बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है और आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ अपने सारे कॉर्ड्स कट करने के लिए, जितना कार्मिक बैरियर आपका उनके साथ रहा है उन सबको रिलीज़ करने के लिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बढ़ने के लिए आपको इस मेडिटेशन को मात्र 21 दिन तक रोज़ करना है। इस मेडिटेशन को पॉजिटिवली करें, इसका कोई बुरा गलत इफ़ेक्ट नहीं है, बस आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। हमें उनके साथ कोई लड़ाई झगड़े, कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है, सिर्फ प्यार के साथ, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें इस रिलेशनशिप से रिलीज़ होना है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए इस मेडिटेशन के लिए। आप इसे पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। सोचिए उस इंसान के बारे में, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई मेल पर्सन हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, यंग हो सकता है। ध्यान से सोचिए उस एक इंसान के बारे में जिसके साथ आप अपने कॉर्ड्स कट करना चाहते हो। वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। आज आप इस मेडिटेशन को करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर से एक बहुत भारी एनर्जी, जो आपको नेगेटिविटी, जो आपको स्ट्रेस, जो आपको एंजाइटी दे रही है, वो ख़त्म हो गई है। सोचिए उस इंसान के बारे में और जो मैं प्रेयर बोलूँगी आपको सिर्फ उसको ध्यान से सुनना है और उस इंसान के बारे में सोचना है। कोई भी बुरे विचार नहीं रखना है, पॉजिटिवली आपको इसको करना है, क्योंकि हमें किसी प्रकार का गुस्सा, किसी प्रकार का हेट्रेड नहीं रखना है, सब कुछ प्यार के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड करना है। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए,
सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके साथ आपको आपके सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना है और अपनी कॉर्ड्स उनके साथ कट करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। सोचिए उस इंसान के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन। वो लड़का है, लड़की है, कोई मेल है, यंग है, ओल्ड है, इट कैन बी एनी वन। लेकिन ध्यान रखा जाए, इसको पॉजिटिव सेंस में ही करना है। आई रिलीज यू विद अ फुल हार्ट, विद लव फॉर द प्लेस यू वंस हेल्ड इन माई लाइफ। मे यू बी हैप्पी इन द लाइफ यू हैव चूजन। आई नाउ टेक बैक ऑल द एनर्जी दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मी और दैट आई हैव गिवन अवे एंड आई रिटर्न द एनर्जी दैट आई स्टिल होल्ड फ्रॉम यू। मे आई बी फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। मे ऑल कॉर्ड्स बी कट एंड डिसॉल्व्ड। मे ऑल एनर्जी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सेंडर विद पावर, पीस एंड फॉरगिवनेस। आई आस्क दैट दिस इज अ कंप्लीट एंड सील्ड नाउ। सो इट इज़।